दोस्तों आज मैं आपको कैरेक्स घर पर ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। अगर आपको बच्चों को बाजार के खिलाने में डर लगता है कि कैसे हैं, किस तरह से बने हैं, तो आप घर पर भी आसान तरीके से बना के बच्चों को खिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने हर शेप के, हर साइज़ के कैरेक्स बनाए हुए हैं, वो भी के चावल के आटों के, चावल के आटे के आप भी बना सकते हैं। बनाने का तरीके के लिए एक कढ़ाई लेनी है हमें, या आप जो भी बर्तन लेना चाहे पैन, उसमें एक कप गेहूं आटा लेना है, चावल का एक कप चावल का आटा लेके हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको स्लो आंच पर धीरे धीरे करके सेंकना है। जब तक सेंकना है जब तक कि ये आटा अच्छे से गर्म ना हो जाए। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गर्म करने के लिए। कि इसमें अगर हम पानी ऐड करें तो ये इसका रवा फूल जाए, इसके दाने अच्छे से फूल जाए, इसलिए सिर्फ हमें इसको गर्म करना है। गर्म करने के, देखिए हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक कप पानी ऐड करते हैं और इसको मैश कर देते हैं। ये देखिए मिला, अच्छा नहीं मिल रहा, तो अब हम इसमें थोड़ी देर बाद फिर से एक कप पानी और ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल 2 कप पानी ऐड किया है अभी तक। 2 कप पानी ऐड करने के बाद हमने फ्लेम तो बंद कर दी थी, अब इसको अच्छे से मैश करना है जिसमें लम्स ना रहे। लम्स रहे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे फिंगर्स अच्छे नहीं बनेंगे। मैश करने के बाद इसको देखिए अच्छे तरीके से मैश कर दीजिए, मिला लीजिए, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हमें इसको आधे घंटे के लिए ढककर रखना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। आधा घंटा हमारा हो चुका है, अब हम इस आटे को चलाते हैं और गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं स्लो पर। धीरे धीरे ये हमारा आटा पकने लगता है और इस तरह अब हम इसमें धीरे धीरे करके 3 कप पानी और ऐड कर देते हैं। देखिए मैंने ये 1 कप किया, फिर मैंने यहाँ पर 2 कप किया पानी ऐड, और इसी तरह मैंने यहाँ पर 3 कप पानी ऐड कर दिया है। 3 कप पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको चलाएंगे धीरे धीरे करके स्लो आंच पर। फ्लेम को भी ऑन कर दिया मैंने। हमें गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। स्लो रखने के साथ साथ अब मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा भी आपको रखना है। यहाँ पर अब देखिए मैंने धीरे धीरे चलाना है और इसके रवे को फुलाना है। जैसे जैसे ये अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए गाढ़ा हो गया है, गाढ़ा होते होते ये देखिए अच्छे से चलाइए, चिपकना नहीं चाहिए तली पर। यहाँ आप कढ़ाई की जगह पैन भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर मैंने कढ़ाई यूज़ की है, चम्मच भी मैंने छोटी ली, आप अपने हिसाब से चम्मच ले सकती। देखिए अब मेरा कितना गाढ़ा बन गया है ये चावल का आटा। देखिए इसे हम चावल का खीच भी कहते हैं। और ये हमारा अच्छी तरीके से पका है नहीं पका, इसका टेस्ट करने के लिए एक बर्तन में मैंने इसको लिया और देखिए ये हमारा चिपक गया है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा। अगर ये अपनी सतह छोड़कर नीचे की साइड से आ रहा है तो यानी ये भी अच्छे से पका नहीं है, पर मेरा ऐसा आटा हुआ नहीं है, यानी इसका हमारा आटा अच्छे से पक गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसे बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा भी कहते हैं, ऐड करते हैं। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही आप इसमें ऐड करें और अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको पाइपिंग कॉर्न होते हैं या फिर आपकी जो भी बॉटल्स होती हैं या जिसमें भी आपको रखना है इसको भरें और
इसको देखिए मैंने पॉलीथिन पे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, हर शेप के, हर साइज के, जैसे मेरे बच्चे खाते हैं, राउंड है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उस तरह से मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए हमारे कितने सुंदर दिख रहे हैं और आसानी से बनते जा रहे हैं, इस तरह आप भी बना सकते हैं। और इनको बनाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इस तरह अब इनको बनाने के बाद हम इनको धूप में सुखाएंगे। 2 दिन मेरे को धूप में अच्छे से सुखाने में लगे, किसी को 1 भी दिन लगता है। यहाँ पर मैंने 2 दिन लिए धूप में सुखाने के बाद। देखिए ये हमारे कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब इनको फ्राई किया और अब हमने यहाँ इनको फ्राई किया। देखिए एक एक फिंगर्स को यहाँ फ्राई करके बिल्कुल कितने बाजार जैसे ही दिख रहे हैं। आप इनको घर पर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कुलर, जैसे भी आपके बच्चे को लगे वैसे आप बनाइए, हर शेप और साइज में। ये हमारे कितने सुंदर दिख रहे हैं दोस्तों, आप भी आसान तरीके से बनाइए हैं ये कैरेक्स। धन्यवाद दोस्तों।